सो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पार्ट वन किया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज का आपको इस चैप्टर का इंट्रो दिया था और उसमें एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट की थी। अब आज इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 में 19 क्वेश्चन, क्योंकि हम 18 क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट करा चुके हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 13.1, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हूज साइड्स आर, आपको रेक्टेंगल की साइड्स गिवन किया है। ये साइड्स हैं, आपको लग रहा है कि ये साइड्स हैं? यस, ये साइड है, साइड्स हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करनी है, लाइंस की इक्वेशन। अभी लाइंस ड्रॉ कैसे होंगी, तो अगर हम इसे ग्राफ पर देखें, तो ग्राफ पर इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो लेट कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पर भी सेम 1, 2 एंड 3। ओके, ये लाइन हो गई हमारे पास, और यहाँ पर -1, -2, -3 एंड यहाँ पर ये -1, -2 एंड ये -3। अब आप देखो इसमें x इज इक्वल्स टू -1 लाइन क्या होगी, ये हमारी x इज इक्वल्स टू -1 लाइन, ये होगी x इज इक्वल्स टू -1 लाइन। अच्छे से बनाते हैं इसको, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, -1 थोड़ा सा इधर लैड कर लेते हैं, ये होगी हमारी x इज इक्वल्स टू -1 लाइन, x इज इक्वल्स टू -1 लाइन, यहाँ -1 है x पर, और x इज इक्वल्स टू 4 लाइन होगी यहाँ पर y के पैरेलल। x इज इक्वल्स टू जो लाइन होती है हमारी क्या होती है, y के पैरेलल ड्रॉ होती है। ऐसे y इज इक्वल्स टू -1, y पर -1 हो जाए जाएंगे हम, और x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन क्या होगी हमारी, y इज इक्वल्स टू -1, ये क्या है x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 लाइन ये होती है हमारी, x के पैरेलल y एक्सिस पर 2 पर जाएंगे और x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, वाई पर 2 और एक्स के पैरेलल है, ये हमने नाइन्थ में ही हमने सीखा था इसको ड्रो करना, वाई इज इक्वल्स टू 2 लाइन। नाउ अब देखो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे हम इसको ए लेट कर सकते हैं, इस पॉइंट को बी, ये रेक्टेंगल है हमारा और इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी एन डी। क्या आप इनके वर्टिसेस बता सकते हो, क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? देखो कोऑर्डिनेट, अगर हम ए के कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स पर कितना है -1, एक्स पर कितना है -1 और वाई पर भी -1, ये होगा -1, -1। बी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो क्या होगा, बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स पर कितना है 4 एंड वाई पर कितना है, देखो वाई पर कितना है -1, 4, -1। सी के कोऑर्डिनेट्स देखें हम, एक्स पर कितना है 4 एंड वाई पर देखें हम 2 एंड डी पॉइंट अगर आप देखोगे तो डी में क्या है, एक्स पर कितना है -1, एक्स पर -1 और वाई पर कितना है 2, ये -1, 2, ये होगा सिंपल ए बी सी डी। अब आप क्या कर लो इसमें ए बी सी डी को देखो क्या होगा, यहाँ पर ए बी सी डी पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, ए होगा -1, -1, बी होगा 4, -1, सी होगा हमारे पास क्या 4, 2 एंड डी होगा हमारे पास क्या -1, 2, ये होगा। अब सिंपली आपको फाइंड क्या करना है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, इसमें क्या रहा है कि इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स, इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स, और डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने जैसे ए सी एंड बी डी, तो आपको लाइन ए सी और बी डी की इक्वेशन फाइंड करनी है सिंपली, और हमारे पास पॉइंट्स हैं ही यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है हमें बी डी, या फिर डायगनल बी डी कह सकते हो आप, इक्वेशन ऑफ डायगनल बी डी, डायगनल बी डी की इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं बी और डी के लिए, अगर हम देखें बी और डी के लिए 2 पॉइंट्स हैं, आप इसमें क्या लगाओगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे, इसको हम ऐड कर लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, देन क्या होगा इक्वेशन क्या होती है, y-y1 = में m, m के प्लेस पर क्या लेते हैं, अगर 2 पॉइंट फॉर्म होती तो y2-y1 और x2-x1, क्योंकि स्लोप का ही तो फॉर्मूला है, और फिर यहाँ पर x-x1, y-y1 के प्लेस पर कितना -1 = y2, 2-y1 -1 / x2 कितना -1, फिर -x1 कितना 4, और यहाँ पर x-x1 कितना 4, ये होगा y-(-+1), ये 2-(-+1) और ये -1 एंड ये -4, ये कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पर ये x-4, ये होगा सिंपल। अब आप देखो y+1 ऊपर आ रहा है 3 और नीचे -5। अब देखिए जो माइनस साइन है ना, आप इसको ऊपर भी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन का मीनिंग होता है कंप्लीट वैल्यू जो 3/5 है नेगेटिव। अब आप +5 इधर लेके आ जाओ, +5 लोगे आप तो ये हो जाएगा 5 × y+1 और ये -3 × x-4, यहाँ पर 5y+5, तो यहाँ पर -3x+3, 4 जो 12,
अब आप इन वैल्यूज को देख लेके आओगे तो प्लस का 3x प्लस का 5y फिर प्लस का 5 और ये y इधर आ जाएगा माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। नाउ ये हो जाएगा 3x प्लस 5y और 5 माइनस 12 कितना हो रहा है 7 माइनस में वो भी इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो इसमें ही आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी। सेकेंड इक्वेशन आप ऐसे निकालो इसमें सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है बी डी में जो बी डी है हमारा ये तो हो गया। अब आप ऐसे ही आपको ए सी डायगनल फाइंड करना है तो फर्स्ट वाला आ गया हमारे पास और सेकंड वाला अगर हम डायगनल देखें ए सी डायगनल भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। पॉइंट्स हैं हमारे पास ये हमारे पास दोनों पॉइंट ए और सी। इसको अगर आप एक्स वन वाई वन इसको अगर आप एक्स टू वाई टू लेट कर लेते हो देखो ये इधर ही सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हम ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए सी इक्वेशन ऑफ डायगनल ए सी कैसे फाइंड करेंगे वाई माइनस वाई वन किस में से ले रहे हैं इन दोनों पॉइंट में से ए और सी में से। तो यहाँ पर वाई माइनस वाई वन और यहाँ पर वाई टू क्या होगा हमारा वाई टू होगा टू ये होगा वाई टू माइनस वाई वन क्या होगा माइनस वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होगा माइनस वन और यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन ये होगा। यहाँ पर वाई प्लस वन और यहाँ पर देखो टू माइनस और माइनस प्लस तो ये हो जाएगा टू प्लस वन और ये फोर प्लस वन यहाँ पर होगा एक्स प्लस वन यहाँ पर वाई प्लस वन और यहाँ पर थ्री अपॉन फाइव और यहाँ पर एक्स प्लस वन ये होगा। यहाँ पर फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे वाई प्लस वन और ये थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वन फाइव वाई ये कितना होगा फाइव वाई प्लस फाइव और यहाँ पर ये थ्री एक्स प्लस थ्री करेंगे इसको सोल्व। आप जीरो रख लो यहाँ पर ये थ्री एक्स माइनस फाइव वाई और ये प्लस थ्री और ये माइनस फाइव ये दोनों वैल्यूज हम इधर लेके आए हैं। थ्री एक्स के साथ हमने ये क्या लिया हमने माइनस फाइव वाई और फाइव और इधर लेके आए माइनस फाइव हो गई हो गया हमारे पास थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस टू इक्वल्स टू में जीरो। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस टू इक्वल्स टू में जीरो सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ये करना था इसमें 19 क्वेश्चन में। अब आप नेक्स्ट देख सकते हो इसका क्वेश्चन नंबर 20 20 में थ्री वर्टिसेस ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी टेकन इन द ऑर्डर आपको थ्री वर्टिसेस गिवन किए हैं पैराग्राम के एंड ये क्या बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पी वाई क्यू भी है देखो आप पी वाई क्यू क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारा इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसको ध्यान से देखना है आपको कैसे करेंगे हम। ये पैराग्राम है हमारा ओके ये पैराग्राम तो अगर हम ए बी सी डी लेट कर लेते हैं कि भाई हम इसको ए लेट कर लेते हैं ए इसको बी इसको सी और इसको डी। अब ऐसा कंपलसरी नहीं यहाँ से ही स्टार्ट करना है आप ए को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो लेकिन ये ऑर्डर में हो ए बी सी डी इस टाइप से ले लो या फिर ए बी सी डी इस टाइप से लो ठीक है लेकिन ऐसे मत ले रहे ना पहले आप ए ले रहे हो बी ले रहे हो यहाँ पर सी ले रहे हो फिर यहाँ डी ले रहे हो ऐसे गलत हो जाएगा। अब डी के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें लेने हैं डी के कोऑर्डिनेट्स हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर ए और बी। अब क्या करेंगे इसमें अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं देखो इसमें कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम क्या मिड पॉइंट का कैसे कि डायगोनल्स ऑफ मिड पॉइंट क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स ऑफ मिड पॉइंट क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ओ ये ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और ये बी डी का भी मिड पॉइंट होगा तो अगर ये दोनों का कॉमन मिड पॉइंट है दोनों से सेम आनी चाहिए इसकी वैल्यू। इसमें हम क्या रखेंगे इसमें क्या रखेंगे फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी सॉरी ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी दोनों के मिड पॉइंट्स को हम इक्वल पुट करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू ऐसी सेम इसमें भी हम रख देंगे कि एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। अब एक्स वन ए सी के लिए आप एक्स वन वाई वन इसको लेट कर लिया आपने तो इसको आप एक्स टू वाई टू लेट करोगे ऐसे इसमें आपने इसको एक्स वन वाई वन लेट किया तो आप इसको एक्स टू वाई टू लेट करोगे बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं देखो यहाँ पर ए सी के लिए देखो आप एक्स वन थ्री एक्स टू भी थ्री डिवाइड बाई टू वाई वन के लिए देखो एक्स वन सिक्स एक्स टू टू डिवाइड बाई टू फिर यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ बी डी यहाँ पर एक्स वन ए एंड एक्स टू फाइव यहाँ पर डिवाइड बाई टू वाई वन कितना होगा बी प्लस वाई टू टेन डिवाइड बाई टू ये होगा सिंपल। नेक्स्ट कर लो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे ये है सिक्स डिवाइड बाई टू और यहाँ पर एट डिवाइड बाई टू और यहाँ पर ए प्लस फाइव डिवाइड बाई टू
और ये बी प्लस टेन डिवाइड बाय टू, तो यहाँ पर कितना होगा थ्री, और यहाँ पर ये फोर, और यहाँ पर ये ए प्लस फाइव डिवाइड बाय टू, और यहाँ पर ये बी प्लस टेन डिवाइड बाय टू। अब कर लो आप इसे, थ्री इक्वल्स टू में क्या होगा, थ्री इक्वल्स टू में क्या होगा, थ्री इक्वल्स टू में ए प्लस फाइव डिवाइड बाय टू एंड फोर इज इक्वल्स टू में होगा बी प्लस टेन डिवाइड बाय टू। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू हो गई सिक्स, ए प्लस फाइव, और फाइव इधर माइनस कर लो, फाइव माइनस करोगे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस वन, ए की वैल्यू प्लस वन हो गई हमारी, और ए की वैल्यू प्लस वन, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट इक्वल्स टू बी प्लस टेन, तो यहाँ पर हो जाएगी एट माइनस टेन इक्वल्स टू बी हो जाएगा माइनस टू। देन बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए कोमा सॉरी वन कोमा माइनस टू। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है लेंथ ऑफ डायगनल बी डी, बी डी डायगनल की लेंथ, डी हमने फाइंड किया अभी, बी हमारे पास है तो आपके पास पॉइंट है, बी की वैल्यू क्या है फाइव कोमा टेन, बी की वैल्यू फाइव कोमा टेन ले लो आप, डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं सेकंड, आपको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ बी डी। इक्वेशन ऑफ डायगनल बी डी अगर आपको फाइंड करना है तो क्या होगा, देखो बी पॉइंट है हमारे पास फाइव कोमा टेन, डी पॉइंट है हमारे पास वन कोमा माइनस टू, आप पहले एम फाइंड कर लो स्लोप, या डायरेक्ट इसमें रख लो आप इक्वेशन में वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू में एम, एम के प्लेस पर क्या आ जाता है यहाँ पर टू पॉइंट फोर में y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन, ये होगा ये x1 y1 और ये x2 y2, ये होगा y माइनस वाई वन, वाई वन क्या होगा टेन इक्वल्स टू में y2 की वैल्यू क्या होगी टेन माइनस वाई वन क्या होगा सॉरी y2 हम क्या ले रहे हैं टू वो भी माइनस में और y1 क्या ले रहे हैं टेन, y2 माइनस वाई वन एंड x2 वन ले रहे हैं माइनस x1 क्या ले रहे हैं फाइव, और यहाँ x माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स वन की वैल्यू होगी हमारे में इसमें फाइव, आप सोल्व करो y माइनस टेन ये कितना मिलेगा माइनस ट्वेल्व अपॉन माइनस फोर, और यहाँ पर ये x माइनस फाइव, फिर हम नेक्स्ट फोर से फोर कैंसिल करेंगे, हाँ फोर से ट्वेल्व कैंसिल करेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा इसको इधर सोल्व कर लेते हैं y माइनस टेन एंड फोर थ्री जब ट्वेल्व और ये x माइनस फाइव, यहाँ पर y माइनस टेन इक्वल टू में थ्री एक्स माइनस थ्री फाइव जो फिफ्टीन ना y और टेन को इधर लेके आते हैं, टेन को इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस का टेन होगा माइनस का फिफ्टीन प्लस का टेन, तो ये क्या देगा हमें थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फाइव और इक्वल्स टू जीरो। देखो इक्वल्स टू जीरो आप लेफ्ट साइड में ले सकते हो, इसको राइट साइड में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा बी डी, ऐसा बी डी की इक्वेशन बोली थी इसने, तो बी डी की इक्वेशन तो हमारी क्या रही है थ्री एक्स माइनस, बी डी की इक्वेशन बोली थी लेंथ बोली थी इसने, देखो इसको चेक करो इसने क्या बोला था, तो इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ बी डी बोली, इक्वेशन ऑफ ए भी बोला था इसने, और पहले देखो पहले आपको क्या करनी थी, बी डी की तो सिर्फ लेंथ फाइंड करनी है, अगर हम बी डी की लेंथ फाइंड करें ओनली तो बी और डी हमारे पास पॉइंट क्या है फाइव टेन एंड डी हमारे पास अभी हमने फाइंड किया माइनस वन कोमा टू, सिर्फ आपको अगर इसकी लेंथ फाइंड करनी है बी डी देन क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, बस हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नाइन्थ क्लास में किया था हमने सीखा था ये, और हमने इंट्रो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर देखेंगे हम वाई टू, वाई टू की वैल्यू क्या होती है टू माइनस वाई वन क्या है टेन होल स्क्वायर प्लस एक्स टू क्या है माइनस वन माइनस एक्स वन क्या है फाइव होल स्क्वायर, करो इसको सोल्व कितना आ रहा है टू माइनस टेन माइनस एट होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस सिक्स होल स्क्वायर, एट का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा सिक्सटी फोर, एट का स्क्वायर ये फाइव है, ये फाइव है हमारा सही है, तो हमने वैल्यूज ठीक लिए ना, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, फाइव कोमा टेन और माइनस वन कोमा टू, डी की वैल्यू वन कोमा माइनस टू है, डी की वैल्यू क्या है वन कोमा माइनस टू है, ये वन कोमा माइनस टू है, माइनस टू तो फिर यहाँ पर माइनस टू होगा और यहाँ पर होगा प्लस वन, यहाँ पर होगा माइनस में ट्वेल्व और यहाँ पर होगा ये माइनस फोर, ट्वेल्व का स्क्वायर होगा वन फोर्टी फोर एंड फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और ये कितना आ रहा है वन सिक्सटी, दोनों को ऐड किया और नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें 160, देखो 160 में कितना बार आ रहा है फोर बार आ रहा है, क्योंकि इसको आप 16 इंटू टेन बोल सकते हो, 16 का फोर बार और टेन बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए फोर रूट टेन क्या हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट
में इसमें इक्वेशन ऑफ साइड ए भी फाइंड करनी है, ए भी है हमारे पास और बी भी है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ए भी फाइंड करनी है। देखो अगर हम इसमें ये हमें फाइंड नहीं करना था, इसमें इक्वेशन ऑफ ए भी फाइंड करनी है अगर, और ए पॉइंट है हमारे पास क्या 3.6, इसमें ले लेते हैं 3.6 और अब हम इक्वेशन फाइंड करें इसी में ही वैल्यूज पुट कर दे देखो तो क्या मिलेगा आप, सिंपल वही आप आपको सॉल्यूशन करना है इसमें। तो इसमें इसको फर्स्ट वाले पॉइंट में x1 y1 x2 y2 इसमें लेट करो आप, किसको x1 y1 और x2 y2 लेट करना चाह रहे हो। तो अगर आप इसको x1 और y1 और इसको x2 y2 लेट कर रहे हो, देन y y1 कितना 10 इक्वल्स टू में y2 कितना है 6 माइनस, और फिर y1 10, फिर नीचे x2 कितना है 3 और फिर -5, यहाँ पर x माइनस x1 कितना है 5। कर लो आप इसे सोल्व, आप इसको x2 y2 और इसको x1 y1 भी लेट करते, अगर b को आप x2 y2 और इसको आप x1 y1 लेट करते फिर भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा, आप करके देख सकते हो -10। यहाँ पर आप सोल्व कर रहे हो कितना आ रहा है -4 आ रहा है ऊपर और नीचे आ रहा है -2, और यहाँ पर x -5, यहाँ पर y -10, माइनस से माइनस कैंसिल 2 2 4 या x -5। अब आप इसे सोल्व करोगे y -10 2x -2 5 10, यहाँ 0 2x - y, ये दोनों वैल्यूज इधर लेके आए, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, ये इक्वेशन आ रही है, इसको आप 2x - y = 0 भी बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 20 में, कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 21, इसमें बोल रहा है लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट पी 2.3 एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी। देखो जैसे यहाँ पर फिगर गिवन क्या है, तो अगर ये ए पर मीट कर रहा है तो हम इस पॉइंट को क्या लेट कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप लेट कर सकते हो कि इसमें वाई की वैल्यू ऑलवेज 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पॉइंट है, तो इसको हम ए कोमा 0 लेट कर लेते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर वाई पर एक्स की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी लेकिन वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम इसे 0.b लेट कर लेते हैं। और इसमें कहा गया है कि इफ 2AP = 3BP फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो अगर हम इस ए बी लाइन सेगमेंट को इधर ले लेते हैं, इससे कोऑर्डिनेट्स हमने 1.0 लेट किए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमने 0.b लेट किए। पी की बात करें अगर हम, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2.3। अब आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर लो और ये x y हो जाएगा। देन ये जो रेशियो इसने बोला है, क्या बोला है इसने कि ट्वाइस ऑफ ए पी या पी ए किसके इक्वल है, ट्राइस ऑफ बी पी के। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए पी अपॉन पी बी बोलो इनका रेशियो कितना आएगा, 3:2, ये होगा 3 और ये होगा 2:2, ये होगा सिंपल। तो सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका, सॉल्यूशन में आपको क्या फाइंड करना है, ए के एंड बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो इसमें लग रहा है सेक्शन फॉर्मूला, तो अगर हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला करें तो क्या होगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करें अगर हम, तो हमें पता है x = क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। देखो क्या इससे कुछ मिल रहा है क्या, m1 + m2। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर, इससे हमें मिल रहा है यहाँ पर क्या, a की वैल्यू मिलेगी। कैसे, x की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर 2, तो आप यहाँ पर 2 पुट कर सकते हो। m1 ये हमारे लिए m1 है और ये m2, फर्स्ट वाली वैल्यू m1 होती है, सेकेंड m2, रेशियो में m1 क्या है 3, x2 क्या लेंगे 0, ये रहा x2 प्लस m2 की वैल्यू 2 एंड x1 क्या लेंगे 3 डिवाइड बाय m1 + m2 मीन 3 + 2। यहाँ पर आप देखो इसको, ये ट्वाइस ऑफ 3 × 0 0 हो जाएगा 2a अपॉन में 3 + 2 5, ये 5 × 2 = 10 इक्वल्स टू में 2a, 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर आएगा 5 = 8, ए की वैल्यू हो जाएगी 5। नेक्स्ट आप देखो इसमें वाई की वैल्यू फाइंड करोगे, y = होगा m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2, वाई की वैल्यू 3, m1 3, y2 कितना होगा b, ये रहा y2 प्लस m2 क्या है 2, y1 ये है हमारे पास 0, तो यहाँ पर ये 0 लेंगे डिवाइड बाय m1 + m2 मीन्स 3 + 2। इसको सोल्व कर लो आप, क्या मिलेगा, ये 3 एंड ये 3b और ये ट्वाइस ऑफ 0, ये भी 0 हो जाएगा हमारा, एंड यहाँ पर क्या होगा 3 + 2 5 और ये 5 3 = 15 = 3b
और 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 5 से 15 मींस बी की वैल्यू देखो यहाँ से ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5,0, यहाँ से बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 0,5, ये हो गया। ये हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करो, तो अगर हमें ए बी मिल गए दोनों पॉइंट तो आप इक्वेशन ऑफ ए बी भी फाइंड कर सकते हो। सेकेंड में इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए आप इसको एक्स वन वाई वन इसको एक्स टू वाई टू लेट कर लो, देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा देखो, एक तो हम इसको टू पॉइंट फॉर्म से फाइंड कर सकते हैं, और अभी हमने देखा कि इसमें ये वाला और ये वाली साइड इक्वल होती है, जो एंगल होगा ये एंगल 45 होगा, लेकिन ये नेगेटिव 45 होगा। अगर आप स्लोप से फाइंड करोगे इसका स्लोप माइनस वन आएगा। आप डायरेक्ट भी स्लोप फाइंड कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड कर सकते हो कि आप पहले स्लोप ले लो, जैसे कि अगर हम स्लोप ऑफ ए बी देखें, स्लोप ऑफ ए बी मीन्स एम अगर हम लेने कितना होगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन कितना होगा, इधर सोल्व कर लेते हैं। वाई टू की वैल्यू क्या है हमारे लिए 5 माइनस 0, वाई वन की वैल्यू एक्स टू 0 माइनस 5 तो जाएगा 5, और माइनस 5 कितना रहा माइनस 1, क्योंकि नेगेटिव 45 आ रहा था तो इसलिए माइनस 1 आता है इसका स्लोप। और इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी वाई माइनस वाई वन होता है इक्वल टू में एम एक्स माइनस एक्स वन, या फिर हम डायरेक्ट क्या यूज कर सकते थे इसमें टू पॉइंट फॉर्म। अब ए एक्स वन वाई वन किसको लेट करें, तो आप इसी इसको लेट कर सकते हो, इसको भी लेट कर सकते हो, दोनों से सेम मिलेगा आंसर। तो अगर हम ले रहे हैं वाई वन 0, एम की वैल्यू माइनस 1, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू 5, यहाँ पर वाई और ये माइनस एक्स और ये प्लस 5, दोनों वैल्यूज राइट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो एक्स प्लस हो जाएगा इधर आकर और 5 आकर क्या हो जाएगा इधर माइनस इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये इसका सेकंड पार्ट है, 21st का सेकंड पार्ट। सिंपल ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ ए बी, ये करना था इसमें भी। नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो आप इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इसमें बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ये वर्टिसेस है ट्राइंगल ए बी सी, तो ये ए ये बी और ये सी, ए की वैल्यू 7,-1, बी की वैल्यू 4,1, सी की वैल्यू -3,4, आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द वर्टेक्स बी जो बी से पास हो एंड द पॉइंट पी, बी से पास हो पी पॉइंट से क्रॉस करे इन ए सी, और पी पॉइंट कहाँ पर है ए सी में, सच दैट ए पी एंड सी पी का जो रेशियो है वो तो कितना है 2:3। और अगर आपको इक्वेशन हो क्या फाइंड करनी है, ये लाइन बी पी फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको पी चाहिए। अब पी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है इसमें। तो अगर हम ए पी लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करें, ए हमारे पास 7,-1 एंड बी सी है हमारे पास -3,4 एंड पी है ये हमारा एक्स वाई, और यहाँ पर क्या है हमारे पास रेशियो 2:3, 2:3 है ए पी एंड सी पी। देन एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं हम, एक्स इज इक्वल टू होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, तो फॉर्मूला तो हमें रट गया अच्छे से। और फॉर्मूला रटने का बेस्ट मेथड ये है कि आप जब कभी भी क्वेश्चन को करें तो हर बार इसमें फॉर्मूला लिखें, बस आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू एम वन की वैल्यू, ये एम वन और ये है एम टू, एम वन की वैल्यू क्या होगी 2 एंड एक्स टू की वैल्यू देखो इसको हम एक्स टू वाई टू लेट कर लेते हैं, उसका एक्स वन वाई वन, यहाँ क्या होगा एक्स टू की वैल्यू -3 प्लस एम टू की वैल्यू 3 एंड एक्स वन की वैल्यू क्या होगी 7 डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू 2 प्लस 3, एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है -6 प्लस 21 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर मिल रही है हमें 15 डिवाइड बाई 5 ही मिल रहा है 3 एक्स एक्स की वैल्यू। ऐसे आप वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वाई इक्वल्स टू भी ये होगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, वाई इक्वल्स टू एम वन की वैल्यू 2 वाई टू की वैल्यू 4 प्लस एम टू की वैल्यू 3 है वाई वन की वैल्यू -1 डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, वाई इक्वल्स टू 2 4 8 -3 डिवाइड बाई 5, वाई इक्वल्स टू यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 5 यहाँ पर हो जाएगा 1, ओके वाई की वैल्यू 1 हो गई, एक्स की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। नाउ bp की इक्वेशन फाइंड करेंगे, अब हमारे पास b भी मिल गया और p भी फाइंड हो गया,
देखो पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3.1 और बी के 4.1, बी के कोऑर्डिनेट 4.1 एंड पी के कोऑर्डिनेट 3.1। नाउ इक्वेशन ऑफ बीपी क्या होगी, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू में इसमें अगर हम 2 पॉइंट फॉर्म लगाएं डायरेक्ट वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन और यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वन, ये होगा क्या होगा फिर सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वाई माइनस आप इसको एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू लेट कर रहे हो तो देन क्या होगा वाई वन की वैल्यू वन, वाई टू की वैल्यू वन माइनस वाई वन क्या है हमारा फिर वन, तो ये दोनों ही बना रहे हैं हमारे पास। देखना एक बार इसके कोऑर्डिनेट्स हमने सही लिए या नहीं, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 1 4 और 1 ये आ रहे हैं ठीक है। अगर ये है हमारा तो फिर ये 0 हो जाएगा। अब एक्स टू की वैल्यू 3 एक्स वन की वैल्यू 4 और यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है 4, लेकिन अगर ये इधर 0 बन रहा है वाई माइनस वन इधर 0 बन रहा है इधर माइनस वन और ये एक्स माइनस 4 तो यहाँ पर वाई माइनस वन और यहाँ पर 0 जीरो अपॉन एनी नंबर 0 तो ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। 22 में देखो यही आंसर है इसका वाई माइनस वन इक्वल टू में 0, सिंपल 22 हो गया इसका। नेक्स्ट देखो आप इसमें यही फाइंड करना था इसमें, नेक्स्ट देखते हैं इसमें 23rd। 23rd में बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन एट 60 डिग्री, मीन्स इसका मीन्स है कि एंगल कितना मिल रहा है हमें, एंगल मिल रहा है 60 डिग्री और m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा मीन्स tan 60, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा रूट 3 क्योंकि tan 60 पर वैल्यू होती है रूट 3। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 60 डिग्री कहां पर बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव थीटा होगा एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 5 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y और ये y को पॉजिटिव साइड पर भी कट करती है लाइन कहां पर 5 पर, तो इसका मतलब ये 0.5 पॉइंट होगा तो पॉइंट क्या होगा 0.5। अब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है तो क्या होगी देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, ये होगी वाई माइनस हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ एक्स वन वाई वन, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू में एम एम की वैल्यू रूट 3 और एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू 0, यहाँ पर वाई माइनस फाइव और ये रूट 3 एक्स होगा, यही सिंपल हो सकती है इक्वेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप प्लस में 5। ओके आप वाई को भी इधर लेके आ सकते हो राइट हैंड साइड में, सभी वैल्यू राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई समझ गया। अब इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर रूट 3x माइनस 5 प्लस 5 माइनस वाई प्लस 5 इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हो, दोनों ही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। ऐसे आप सेकंड पार्ट देख सकते हो, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंक्लाइन एट 40 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मींस पॉजिटिव 45, पॉजिटिव एंगल है 45, कट ऑफ इंटरसेप्ट 3 ऑन नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि भी हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 है मींस tan 45 m इज इक्वल्स टू क्या होगा tan 45 और tan 45 पर वैल्यू क्या होती है tan 40 पर वैल्यू 1 होती है, इसका मीन्स m की वैल्यू होगी 1 और y एक्सिस को अगर ये नेगेटिव साइड में इंटरसेप्ट करता है तो ये होगा 0.-3 ठीक है, कट ऑफ द इंटरसेप्ट 3 ऑन द नेगेटिव साइड तो यहाँ पर होगा 0.-3 पॉइंट होगा। बस आप क्या करो इक्वेशन निकालो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y माइनस y1 ये x1 ये y1 इक्वल्स टू में m m की वैल्यू 1 और फिर x माइनस x1 x1 की वैल्यू कितनी जाएगी 0 ये y प्लस 3 इक्वल्स टू में x, तो बस यही इक्वेशन है या फिर y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 इस टाइप से लिख सकते हो या फिर सभी वैल्यू इधर लेके आ सकते हो, ओके ऐसे छोड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन सिंपल, ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट y = x - 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m की वैल्यू गिवन की है एंड स्लोप तो हमें गिवन कर दिया इसने -2, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन मींस लाइन लेफ्ट साइड में इंटरसेप्ट कर रही है, लेफ्ट साइड मींस नेगेटिव साइड, इसका मींस यहाँ पर क्या होगा पॉइंट ही -3.0, पॉइंट क्या हो गया हमारा -3.0 ये एक्स वन वाई वन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू 0, एम एम की वैल्यू क्या होगी -2 एंड ये एक्स माइनस एक्स वन ये +3 तो क्या होगा वाई इज इक्वल्स टू -2x -2 3 6,
ऐसे छोड़ सकते हो या फिर एक्स को पॉजिटिव करने के लिए आप इधर लेके आ सकते हो, ये सिक्स इधर लेके आ सकते हो इक्वल्स टू में जीरो। ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 24, 2x plus y plus 6 equals to में 0, इतना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो आप 25th, इसमें बोल रहा है find the value of k such that the point P, Q and R are collinear। तो अगर पॉइंट कोलिनियर है तो क्या हिंट दे रहे हैं हमें, अगर कोलिनियर है मीन्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं और एक सिंगल लाइन पर लाई करने वाले अगर पॉइंट है तो इनसे अगर हम स्लोप निकालें डिफरेंट पॉइंट से तो इनका स्लोप सेम होगा क्योंकि एक सेम लाइन के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, सेम लाइन पर ही पॉइंट है हमारा। तो इनसे अगर हम स्लोप निकालें पी क्यू से, क्यू आर से या आर क्यू से, ये स्लोप हमेशा इक्वल आएगा। कैसे, आप यहाँ पर ले सकते हो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू किसके, स्लोप ऑफ, आप स्लोप ऑफ पी आर भी ले सकते हो, क्यू आर भी ले सकते हो। तो स्लोप ऑफ क्यू आर लेते हैं क्योंकि अगर पी आर लेंगे तो दोनों ही अननोन्स आएंगे, इसमें टफ हो जाएगा। तो अगर हम पी क्यू का स्लोप निकाल रहे हैं और इसमें कर रहे हैं वाई टू माइनस वाई वन, तो अगर हम इसका एक्स वन वाई वन और इसका एक्स टू वाई टू लेट कर लेते हैं तो ये होगा वाई टू माइनस का फाइव माइनस वाई वन कितना वन डिवाइड बाई एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू टू, फिर माइनस एक्स वन क्या के। अब आ जाते हैं क्यू आर के स्लोप पर हम, तो अगर हमने इसको एक्स टू वाई टू वन लेट किया तो इसको एक्स वन वाई वन लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई टू की वैल्यू माइनस फाइव, फिर माइनस वाई वन क्या है माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स टू की वैल्यू क्या है टू, फिर माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है के माइनस टू, ये होगा यहाँ पर ही माइनस सिक्स डिवाइड बाय टू माइनस के, एंड ये माइनस का फाइव और प्लस थ्री डिवाइड बाय टू माइनस के प्लस टू, ये होगा अभी माइनस सिक्स डिवाइड में टू माइनस के, और ये माइनस का टू ऊपर माइनस का टू डिवाइड बाय टू और टू फोर माइनस के, नाउ माइनस माइनस एंड कैंसिल टू थ्री या सिक्स, तो थ्री डिवाइड बाय टू माइनस के एंड ये वन डिवाइड बाय फोर माइनस के। अब ये क्या कर लेंगे उसको थ्री टाइम्स ऑफ फोर माइनस के एंड ये टू माइनस के, ये हो जाएगा थ्री फोर जो ट्वेल्व माइनस थ्री के और ये टू माइनस के, ये होगा इसमें सिंपल। अब हम क्या करेंगे वैल्यूज को इधर लेके आएंगे माइनस थ्री के और ये प्लस के, ट्वेल्व को इधर लेके आ जाते हैं टू माइनस ट्वेल्व, ये माइनस टू के और ये माइनस टेन, माइनस से माइनस टेन कैंसिल के की वैल्यू हो जाएगी फाइव। ये था इसका कॉन्सेप्ट कि आप यहाँ पर टू पॉइंट से जो स्लोप निकालोगे आप उनको इक्वल रख सकते हो अगर ये कोलिनियर है। सेम यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में भी आपको ये करना है कि स्लोप निकालना है तो आप इन दोनों का स्लोप, इन दोनों के स्लोप के इक्वल रखना, इसको सोल्व करना आंसर आ जाएगा इसमें, तो इसको भी आप कर सकते हो। वैसे अगर हम देखें चेक करके हमारे पास पॉइंट है वन फोर एंड थ्री माइनस टू एंड टी माइनस फाइव, वैसे आप इसको पोज करें और अपने आप करके देखें नहीं होता तब इसका कैलकुलेशन देखना, क्योंकि हम ये वाले पॉइंट ले लेते हैं, इसको पी लेट कर लेते हैं, इसको क्यू और इसको आर, तो पी क्यू का स्लोप हम किस इक्वल लेते हैं क्यू आर के स्लोप के इक्वल करेंगे इसको सोल्व। तो ये एक्स वन वाई वन लेट किया, अगर हमने इसको एक्स टू वाई टू लेट किया तो वाई टू माइनस वाई वन कितना फोर, एक्स टू माइनस एक्स वन कितना वन इक्वल टू में क्यू, अगर हम क्यू आर ले रहे हैं इसको हम एक्स वन वाई वन लेट कर लेते हैं तो वाई टू माइनस वाई वन फिर माइनस फाइव एक्स वन एक्स टू थ्री और फिर माइनस एक्स वन की वैल्यू पी, ये ऊपर सिक्स और नीचे टू, ऊपर ही माइनस टू प्लस फाइव डिवाइड बाई थ्री माइनस पी करेंगे इसको सोल्व, माइनस थ्री इक्वल्स टू में थ्री डिवाइड बाई थ्री माइनस पी, ये होगा थ्री से थ्री कैंसिल कर लो, ये माइनस वन इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री माइनस पी, अब क्या कर लो ये माइनस का ये थ्री माइनस पी इधर आ जाएगा इक्वल्स टू में वन माइनस थ्री, या फिर माइनस साइन इधर लेके आ सकते थे हम डायरेक्ट। अब हमारा क्या होगा माइनस थ्री इधर आकर प्लस थ्री जीगा स्टोन वन, पी की वैल्यू क्या होगी फोर, सिंपल पी जीगा स्टू फोर, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 13.1। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, हर एक क्वेश्चन को अपने आप से खुद से करके देखें क्योंकि आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा लेकिन आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करें, किसी भी क्वेश्चन को इजी ना समझे, हल्के में ना लें, हर एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक की और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।